हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। टुडे आई विल डिस्कस अ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ क्लास 10। इट इज माय 12th वीडियो इन दिस चैप्टर। अंडर दिस वीडियो आई विल डिस्कस टाइप 7 क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। मीन्स आज का जो हमारा वीडियो है वो कवर करेगा टाइप 7 क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। और टाइप 7 क्वेश्चन में क्या है, वो क्वेश्चन क्या है टाइप 7 का, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक मैंने इस चैप्टर से 11 वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैंने टैप बाय टैप्स करके इस चैप्टर के क्वेश्चन को डील किया हूँ। पहला था ग्राफिकल मेथड, सेकंड था एल्जेब्रिक मेथड में था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तक मैंने अभी बताया। और ये 12th वीडियो है जिसमें मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को कराऊंगा आज, और ये टाइप 7 में मैंने रखा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम लोग इसे देखेंगे, देन आफ्टर इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आज हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 7050523391। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग pairs of equation intersect at a point are parallel are coincident। means बोल रहा है कि compare करना है हम लोगों को A1/A2, B1/B2 and C1/C2, तीनों को compare करना है और पता करना है कि जो ये जो graph दिए गए, means जो equation दिए गए हैं उसके graph के line किस तरह बनेंगे, means उसके line intersect करेंगे at a point किसी point पे, या जो लाइन होगा वो पैरेलल जाएगा, या जो लाइन है जो कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट मींस एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाता है, उसे बोलते हैं कोइंसाइड कर गया लाइन। तो मैंने ग्राफिकल मेथड में बताया था कि सॉल्यूशन तीन टाइप्स के होते हैं। ये फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट का को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, और अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को, देन आफ्टर ये तीनों क्वेश्चन उसी से बनेंगे। तो मैंने कॉन्सेप्ट के रूप में बताया था कि जो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो तीन केस आएंगे इसमें, तीनों केस के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद इन्हीं तीनों केस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है तो उसे भी हम लोग जान लेंगे। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मान लेते हैं A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म है, मींस इस टाइप का इक्वेशन के फॉर्म है। तो दो इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा, मींस एक्स और वाई का कुछ भी वैल्यू आएगा, और एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो तीन टाइप्स का आएंगे, मींस सॉल्यूशन है जो तीन टाइप्स का आएंगे। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा कि यूनिक सॉल्यूशन, और सेकेंड क्या आएगा मैनी सॉल्यूशन। इसको एक और नाम है वो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और जो थर्ड है वो है नो सॉल्यूशन। तो यही तीन केस आते हैं, पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा मैनी सॉल्यूशन, या इसे कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और थर्ड जो आता है वो नो सॉल्यूशन। तो मींस किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो यही तीनों केस आएगा,
ये तीनों केस है क्या, इससे भी हम लोग जान लेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे कि ये दो इक्वेशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक्स और वाई का एक सिंगल वैल्यू मिलता है जो ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। मीन्स सेटिस्फाई करेगा मीन्स एक्स और वाई का जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाएगा। जब हम लोग इस मान लेते हैं इस इक्वेशन में हम लोग जब एक्स और वाई का वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जीरो की इधर भी जीरो आ जाएगा, एल एच एस में भी जीरो और आर एच एस तो जीरो है ही। तो मीन्स यूनिक सॉल्यूशन में सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू आता है। जैसे के लिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग मान लेते हैं 1 2, तो सिर्फ 1 2 ही वैल्यू ऐसा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि बहुत सारे एक्स और वाई के वैल्यू मिलते हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। मीन्स जैसे कि एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2, और जैसे कि एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 5, इस टाइप को बहुत सारे जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू बहुत सारा मिलेगा यहाँ पर। और नो सॉल्यूशन, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, नो सॉल्यूशन मीन्स एक्स और वाई का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा कॉमन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन तीनों के ग्राफ के बारे में भी मैंने बताया, तो पहले ग्राफ जान लेंगे, उसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है हम लोगों का। तो ग्राफ है, जब यूनिक सॉल्यूशन का जब हम लोग ग्राफ करते हैं, मीन मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन भी बताया है, वो वीडियो नंबर 2, 3 और 4 है। तो यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है कि इंटरसेक्ट करता है, मीन्स किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। यही क्वेश्चन भी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, मीन्स जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तीन क्वेश्चन दिए गए हैं उसी से पूछ रहा है कि इसके लाइन है जो इंटरसेक्ट करेंगे कि पैरेलल जाएंगे कि कोइंसिडेंट होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोगों को पता चलेगा। और मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं उसमें जो लाइन होता है, जैसे ये लाइन है L1 और इसी के ऊपर L2 भी ओवरलैप कर जाता है, मीन्स पूरी इक्वल चढ़ जाता है एक दूसरे पर, एक तरह से समझे तो पूरा ओवरलैप कर जाता है, उसी को कहते हैं कॉन्सिडेंट, और मीन्स कॉन्साइड कर जाता है। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि मीन्स यहाँ पर हम लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मीन्स जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट किया होगा 3 और 2 पे, तो मीन्स यहाँ x का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 2, मीन्स एक ही एक ऐसा वैल्यू, और यहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है मीन्स x और y के बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है जो x और y के वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाएंगे दोनों इक्वेशन में। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि लाइन है जो पैरेलल चल जाता है, मीन्स x और y के एक भी ऐसा वैल्यू नहीं होता कॉमन जो x और y को सेटिस्फाई करे। तो ये तो ग्राफिकल क्वेश्चन था कि ग्राफ में रहेगा तो हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन यूनिक सॉल्यूशन का है, कौन मैनी सॉल्यूशन का है, कौन नो सॉल्यूशन का। लेकिन हम लोगों को जानना है क्या कि जब इक्वेशन दिए रहेंगे तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, कि पैरेलल जा रहा है, कि कॉन्सिडेंट कर रहा है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम लोगों को कभी भी इक्वेशन दिया गया रहेगा तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या वो जान लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट है कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2, means unique solution का केस में क्या होगा कि A1 by A2 means A1 by A2 नहीं इक्वल होगा B1 by B2 के, means A1 by A2 जब हम निकालेंगे और B1 by B2 निकालेंगे तो वो इक्वल नहीं आना चाहिए, और इक्वल जब नहीं आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि इंटरसेक्ट है एट अ पॉइंट, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन का केस है। मीन्स यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है और यहाँ पर जो लाइन है वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट करेगा। और मैनी सॉल्यूशन में क्या था कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, मीन्स इसमें जो तीनों केस है A1 by A2 B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, तो इसमें क्या हो गया तीनों इक्वल आएगा। और जब तीनों इक्वल आ जाएगा तो हम लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि मैनी सॉल्यूशन का केस है और इसमें लाइन कैसा होता है, कॉन्सिडेंट होता है। और थर्ड है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, मीन्स जब हम लोग निकालेंगे A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 तो A1 by A2 is equal to B1 by B2 आ जाएगा, लेकिन equal नहीं आएगा C1 by C2। तो ये था
थर्ड वाला केस मीन्स ऐसा कभी भी आ जाए जब हम लोग यहाँ पर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो केस सेम आ जाए और एक केस डिफरेंट आ जाए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये नो सॉल्यूशन का केस है और ये नो सॉल्यूशन का केस है और इसमें ग्राफ का लाइन जो कैसा बनता है वो पैरेलल बनता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूनिक सॉल्यूशन के क्या क्या केस है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। यूनिक सॉल्यूशन में क्या था, ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, और यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन में क्या था, मैनी सॉल्यूशन में क्या था कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, और थर्ड और लास्ट केस क्या था कि नो सॉल्यूशन में क्या होता है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। यही तीनों केस हैं और यही तीनों केस से क्वेश्चन को हम डील करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज नंबर 3.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिया गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हमेशा दो इक्वेशन दिए रहेंगे और हम लोगों को यहां से एक्स और वाई का वैल्यू निकालने अधिकतर बार पूछता है, लेकिन ये केस हम लोगों को ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कर रहा है कि पैरेलल जा रहा है कि कोइंसिडेंट कर रहा है, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले a1 a2 निकाल लेंगे, b1 b2 और c1 c2। तो a1 क्या है, 5, a1 यहाँ पर 5 है, x का कोफिशियंट है और हम लोग साइन के साथ लिखेंगे तो इसका प्लस साइन है तो सिर्फ 5 हो गया। और b1 क्या है, -4, और c1 क्या है, 8। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर राइट साइड में कॉन्स्टेंट टर्म हो तो उसे लेफ्ट साइड में ले आएंगे और इधर राइट साइड में हमेशा जीरो रहेगा, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। फिर A2 निकाल लेते हैं, A2 7 है और यहाँ पर B2 6 है और यहाँ पर C2 -9 है। तो अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 और यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा केस है। तो A1 by A2 निकालते हैं, A1 क्या है 5, A2 क्या है 5/7, means 5/7 आ गया A1 by A2। B1 by B2 निकाल लेते हैं, B1 by B2 तो यहाँ पर है -4 और यहाँ पर है B2 6, तो इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 4 और 2 3 6 means B1 by B2 क्या आ गया -2/3, B1 by B2 क्या आ गया -2/3। अब हम लोग C1 by C2 निकाल लेंगे, C1 by C2 तो C1 क्या है 8 by C2 क्या है -9, तो यहाँ पर हम लोग 8 by 9 लिख सकते हैं और माइनस ऊपर में, तो C1 by C2 भी निकल गया। A1 by A2 क्या निकल गया 5/7, D1 by B2 -2/3 और C1 by C2 -8/9, मीन्स यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि A1 by A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1 by B2 के, इक्वल तो नहीं आया। जब हम लोग सॉल्व करके देखे तो a1 by a2 is not equal to b1 by a2, तो ये किसका केस था, यूनिक सॉल्यूशन का, और यूनिक सॉल्यूशन में लाइन कैसा होता है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो हम लोग लिख देंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक सेंटेंस, दस द गिवन पेयर ऑफ लाइन, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर था। इसी तरह हम लोग सेकंड और थर्ड को भी देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इंटरसेक्ट कर लिया, इंटरसेक्ट मींस ये यूनिक सॉल्यूशन का केस था। अब सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह, और सेकंड और थर्ड को भी सेम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग लिख लेते हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन है। a1 लिख लेते हैं, b1 लिख लेते हैं और c1 लिख लेते हैं। a1 क्या है 9, b1 क्या है 3
और सी वन टू वैल्यू, ए टू बी टू सी टू, ए टू 18, बी टू 6, सी टू 24। अब हम लोग क्या करेंगे, ए वन बाई ए टू निकाल लेंगे, ए वन बाई ए टू 9/18, ठीक है 9/18, 9 1 9 और 9 2 18 मीन्स 1/2 आ गया, ए वन बाई ए टू 1/2 आ गया। सेम इसी तरह हम लोग बी वन बाई बी टू निकाल लेंगे, बी वन बाई बी टू क्या है 3/6 मीन्स 3 1 3 और 3 2 6 मीन्स 1/2, बी वन बाई बी टू भी यहाँ आ गया 1/2। अब हम लोग लास्ट है जो सी वन बाई सी टू को निकाल देंगे, सी वन बाई सी टू, सी वन बाई सी टू क्या है 12/24 और 12 1 12 और 12 2 24 मीन्स सी वन बाई सी टू भी आ गया 1/2। तो यहाँ पर हम लोगों को देख दिख रहा होगा ये कौन सा केस है, यहाँ तीनों इक्वल आ गए, मीन्स ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो ये कौन सा केस था, मैनी सॉल्यूशन का केस। और मैनी सॉल्यूशन में क्या होता था कि लाइन है जो कॉन्सिडेंट होता था, तो सेकेंड का आंसर क्या हो गया कॉन्सिडेंट। यहां से हम लोगों को पता चल गया कि ये कॉन्सिडेंट का केस है, मीन्स मैनी सॉल्यूशन का केस है कॉन्सिडेंट। यहां से सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग थर्ड और लास्ट क्वेश्चन मानिए जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x-3y+10 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन 2x-y+9 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी हम लोग a1 b1+c1 निकाल लेंगे और a2 b2 और c2 भी यहां पर फाइंड कर लेंगे। तो a1 क्या है 6, b1 क्या है -3, C1 क्या है 10, A2 2 और B2 में सिर्फ -y है, मीन्स -1 है, ये कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर 1 है। और C2 में क्या है 9। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर लेंगे कि a1/a2 को निकाल लेंगे, a1/a2 6/2 है मीन्स 2 3 6 मीन्स 3/1 मीन्स a1/a2 क्या आ गया 3/1। अब हम लोग b1/b2 को भी फाइंड कर लेंगे, b1/b2 इज इक्वल टू -3/-1 यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो b1/b2 का वैल्यू क्या आ गया 3/1। और लास्ट c1/c2 को भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, c1/c2 मीन्स 10/9 तो c1/c2 भी निकल गया 10/9। तो यहां से हम लोगों को दिख रहा होगा कि a1/a2 है जो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मींस ये नो सॉल्यूशन का केस है। और नो सॉल्यूशन में ग्राफ कैसे बनता है, लाइन कैसे बनते हैं उसका, वो होता है पैरेलल। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस है, इसके जो लाइन होंगे वो क्या होंगे पैरेलल होंगे, पैरेलल। तो ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन। और इस वीडियो में मैंने टाइप 7 करके इस क्वेश्चन को कवर किया जो एनसीईआरटी का 3.2 क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टैलेंट।